हाय फ्रेंड्स, आप सभी का लाइफ चेंजिंग फिटनेस मंत्रा चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश कुमार। आज इस वीडियो में मैं अर्बन लाइफ बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट पर बात करने वाला हूं कि हमें डाउनलाइन से कितने वॉल्यूम पॉइंट मिलते हैं और कितने लेवल तक मिलते हैं। तो आज मैं आपको वॉल्यूम पॉइंट से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और आपके जो भी डाउट है वो सब क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी नया वीडियो लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि अर्बलाइफ कंपनी में प्रत्येक प्रोडक्ट के अलग अलग वॉल्यूम पॉइंट है। जैसे फॉर्मूला वन शेक के 21.75 वॉल्यूम पॉइंट है, प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम के 11.50 वॉल्यूम पॉइंट है और अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक के 7.80 वॉल्यूम पॉइंट है। इसी प्रकार सभी प्रोडक्ट के अलग अलग वॉल्यूम पॉइंट है। और दोस्तों, अर्बलाइफ कंपनी में अपने डाउनलाइन से दो प्रकार से वॉल्यूम पॉइंट मिलते हैं। फर्स्ट मिलते हैं नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट और सेकेंड मिलते हैं सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट। तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे ये हो आप और आपने दोस्तों ए बी सी को ज्वाइन करवाया, ए बी सी और डी को ज्वाइन करवाया। इसमें दोस्तों ए 25% लेवल पे है, बी 35% लेवल पे है, सी 42% लेवल पे है और डी 50% लेवल पे है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो प्रकार से आपके आईडी में वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे। उसमें से एक ग्रुप होगा इनका, जो नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट होंगे आपके, नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट। तो आप भी माना 50% लेवल पे ही है। तो इन तीनों से आपकी आईडी में जो वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे वो नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे। दूसरा ग्रुप दोस्तों अपना बनता है, जैसे आप भी 50% लेवल पे और डी भी 50% लेवल पे है, तो डी से आपको जो वॉल्यूम पॉइंट मिलेंगे वो सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट में ऐड होंगे। तो दोस्तों, ये एक बार फिर सुन लीजिए, ए बी सी से आपके जो वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे वो नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे और डी से आपके जो वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे वो सुपरवाइजर ग्रुप में ऐड होंगे। अब बात करते हैं कि जो नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट ऐड होते हैं वो कितने लेवल तक ऐड होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ए ने ई को ज्वाइन करवाया, ई ने एफ को ज्वाइन करवाया, एफ ने जी को ज्वाइन करवाया, जी ने एच को ज्वाइन करवाया और एच ने आई को ज्वाइन करवाया। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं आपको कि इस ग्रुप में जितने भी ज्वाइन करवाते रहेंगे उनसे प्रत्येक के वॉल्यूम पॉइंट आपकी आईडी में ऐड होंगे, चाहे वो कितने भी लेवल तक हो, अनलिमिटेड लेवल तक आपके ये ऐड होते रहेंगे आपकी आईडी में। चाहे वो आई हो, चाहे एच हो, चाहे जी हो, सबके वॉल्यूम पॉइंट आपकी आईडी में ऐड होंगे। इसी प्रकार जो बी ज्वाइन करवाएगा, मान लो इन्होंने 1, 2, 3, 4 को ऐड करवाया, ज्वाइन करवाया है, तो इन चारों के वॉल्यूम पॉइंट भी आपके आईडी में ऐड होंगे। तो दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वो लेंगे हम नॉन सुपरवाइजर वॉल्यूम पॉइंट ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट पर। ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट पर इसमें माना दोस्तों ये हो आप और आपने ए को ज्वाइन करवाया
और बी को ज्वाइन कर रहा है और सी को ज्वाइन कर रहा है। अब माना दोस्तों ए ने डी को ज्वाइन करवाया है, डी ने ई को ज्वाइन करवाया, ई ने एफ को ज्वाइन करवाया, एफ ने जी को ज्वाइन करवाया और दोस्तों बी ने एक को ज्वाइन करवाया, एक ने दो को ज्वाइन करवाया और दो ने तीन को ज्वाइन करवाया। इस हिसाब से मान लो आपके नीचे डाउनलाइन है तो आपके डाउनलाइन टीम ने प्रत्येक ने 100-100 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट खरीदे हैं। जैसे ए ने भी 100 वॉल्यूम पॉइंट के खरीदे हैं, बी ने भी 100 वॉल्यूम पॉइंट और सी ने भी 100 वॉल्यूम पॉइंट, इसी प्रकार सबने 100-100 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज किए हैं। तो दोस्तों यहां से आपको कितने वॉल्यूम पॉइंट मिलेंगे, तो दोस्तों आप देख लीजिए कि ये कितने होते हैं आपके वॉल्यूम पॉइंट। ए से 100, बी से 100, सी से 100 वॉल्यूम पॉइंट, डी से 100 वॉल्यूम पॉइंट, ई से 100 वॉल्यूम पॉइंट, एफ से 100 वॉल्यूम पॉइंट, जी से 100 वॉल्यूम पॉइंट, एक से 100 वॉल्यूम पॉइंट, दो से 100 वॉल्यूम पॉइंट और तीन से 100 वॉल्यूम पॉइंट। इस प्रकार के इस प्रकार आपके टोटल वॉल्यूम पॉइंट हुए 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। इस प्रकार आपके टोटल वॉल्यूम पॉइंट हुई है 1000 वॉल्यूम पॉइंट। अब बात करते हैं एक के वॉल्यूम पॉइंट की, तो एक के भी डाउनलाइन में जो भी हैं उनके सबके वॉल्यूम पॉइंट एक के अकाउंट में भी जुड़ेंगे। तो 100 वॉल्यूम पॉइंट ये हो गए, 100 ये हो गए, 100 ये हो गए, 100 ये, 400 वॉल्यूम पॉइंट ये हो गए और एक के स्वयं के 100 वॉल्यूम पॉइंट है। इस प्रकार एक के टोटल वॉल्यूम पॉइंट हो गए 500 वॉल्यूम पॉइंट। इसी प्रकार बी के वॉल्यूम पॉइंट, बी ने 1, 2, 3 को ज्वाइन करवाया तो 300 वॉल्यूम पॉइंट तो ये हो गए और 100 वॉल्यूम पॉइंट उसके स्वयं के हो गए, इस प्रकार 400 वॉल्यूम पॉइंट हुए। इसी प्रकार माना कि डी के भी आपको वॉल्यूम पॉइंट निकालने हैं तो डी के डाउनलाइन में भी जो है उनके सबके वॉल्यूम पॉइंट इनके में जुड़ेंगे। तो डी के डाउनलाइन में है ई एफ जी, इन तीनों के 100-100 वॉल्यूम पॉइंट 300 वॉल्यूम पॉइंट हो गए और डी के 100 वॉल्यूम पॉइंट, इस प्रकार टोटल वॉल्यूम पॉइंट हो गए 100 + 300, इस प्रकार डी के टोटल वॉल्यूम पॉइंट हो गए 400 वॉल्यूम पॉइंट। इसी प्रकार दोस्तों जितनी भी डाउनलाइन होती है उससे अपने ये वॉल्यूम पॉइंट एड होते जाते हैं। इसमें डाउनलाइन सीमित नहीं है, जितनी भी डाउनलाइन होगी उन सबके वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में एड होंगे, चाहे वो 10 लेयर तक ही क्यों नहीं चली जाए। यदि 10 लेवल तक भी चली गई तो भी आपके अकाउंट में उनके वॉल्यूम पॉइंट एड होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट की। दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि आप मेरी राइटिंग जो लिखावट है उस पर मत जाइए, आप जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं आप उसको समझिए, ठीक है दोस्तों। लिखना तो मैं जल्दी में ऐसे ही लिख रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको यहां पहले ये बता देता हूं कि जो सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट है वो आपके कहां काम आते हैं। दोस्तों ये आपके जब आप सुपरवाइजर बन जाते हो और आपको अगला लेवल क्वालिफाई करना है, जैसे वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम, वहां पे आपको सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट काम आते हैं और आपको इनसे पे जो आपको इनकम होती है इनसे वो आपको रॉयल्टी के रूप में इनकम होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहां एक बार फिर ध्यान दे लेना, जो सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट है वो आपके आगे के लेवल क्वालिफाई करने के लिए काम में आते हैं, जैसे आप वर्ल्ड टीम बनते हो, एक्टिव वर्ल्ड टीम बनते हो, गेट टीम बनते हो, तो आगे के लेवल क्वालिफाई करते हो उनके लिए आपको सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट की भी आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये आगे मैं बता दूंगा कि कितने लेवल तक आपके ये ऐड होंगे, कैसे ऐड होंगे और कितने कितने मिलते हैं। और दोस्तों आपको सुपरवाइजर क्या होता है इसके बारे में नहीं पता है तो मैं आई बटन में भी आपको लिंक दे देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ, तो आप वहां जाकर के पहले सुपरवाइजर क्या होता है वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं
कि आपके वॉल्यूम पॉइंट कैसे ऐड होते हैं। तो अब बात करते हैं हम सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट की। तो दोस्तों यहाँ एक मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, जैसे ये हो आप और आप भी सुपरवाइजर हो। यदि आपको ये नहीं पता है कि सुपरवाइजर क्या होता है तो हम आई बटन में इसका लिंक डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, तो आप वहां जाके देख सकते हो कि सुपरवाइजर क्या होता है। वैसे मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि सुपरवाइजर वो होते हैं जो 50% डिस्काउंट लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ एक लेते हैं, जैसे ये हो आप और आपने ए बी और सी इन तीन को ज्वाइन करवाया, ये भी 50% डिस्काउंट यानी सुपरवाइजर है। अब दोस्तों ए ने बी सॉरी डी और ई को ज्वाइन करवाया, जिसमें डी ये नॉन सुपरवाइजर मान लो कि 25% डिस्काउंट लेवल पे है और ई 50% डिस्काउंट लेवल पर, मतलब सुपरवाइजर है। अब ई ने एफ को ज्वाइन करवाया, वो भी 50% डिस्काउंट लेवल पे है। एफ ने जी को ज्वाइन करवाया, वो भी 50% डिस्काउंट लेवल पर है। और जी ने एच को ज्वाइन करवाया, वो भी 50% डिस्काउंट लेवल पर है। अब इधर बात करते हैं डी जो 25% डिस्काउंट लेवल पर है, इसने भी मान लो कि आई को ज्वाइन करवाया है, जे को ज्वाइन करवाया, के को ज्वाइन करवाया और एल को ज्वाइन करवाया है, जो मान लो 25% डिस्काउंट लेवल पर है। आप डी को 35% डिस्काउंट लेवल पर मानिए, उसका भी मैं बताऊंगा क्यों। तो दोस्तों यहां पे अब बात करते हैं कि इन सब ने 100-100 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट परचेज किए हैं, जैसे ए ने 100 वॉल्यूम पॉइंट, बी के 100 वॉल्यूम पॉइंट और सी के 100 वॉल्यूम पॉइंट। अब इधर डी ने भी माना 100 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, ई ने भी 100 वॉल्यूम पॉइंट के प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, इन सब ने 100-100 वॉल्यूम पॉइंट के किए, चाहे वो इधर 25-35 भी हो और चाहे ये हो, तो सबके 100-100 वॉल्यूम पॉइंट आप मान लीजिए। इनके भी 100-100 वॉल्यूम पॉइंट हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पे देखते हैं कि आपके वॉल्यूम पॉइंट कैसे ऐड होंगे। यहां दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं, जैसे आपने देखा था नॉन सुपरवाइजर में आपके जितने भी लेवल थे वो सब के वॉल्यूम पॉइंट आपके ऐड हो रहे थे, परंतु यहां पर ओनली आपको तीन लेवल तक ही वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे। जैसे ये आप ए आपकी L1 में लेवल 1 में आ जाएंगे, बी भी आपके L1 में आ जाएगा और सी भी आपके L1 में आएगा, ई 50% पे है जो आपके L2 पे आएगा, एफ L3 पे आएगा, जी L4 पे आएगा और एच L5 पे आएगा। तो मैंने अभी बताया था कि आपके कि तीन लेवल तक ही आपके वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे, तो आपको आपके आईडी में किन किन के वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे, ए के ऐड होंगे, बी के ऐड होंगे, सी के होंगे, अब ए के नीचे ई है, ई के ऐड होंगे और ई के डाउनलाइन में एफ है तो उसके ऐड होंगे। तो ये तीन तो आपके डायरेक्ट डाउनलाइन में हैं, ये ए के डाउनलाइन में है, तो ई एफ मतलब यहां तक आपके L3 तक जो वॉल्यूम पॉइंट होंगे वो आपके अकाउंट में ऐड होंगे। अब देखिए यहां पे एक बात और ध्यान रखिए, ए के डाउनलाइन में जो नॉन सुपरवाइजर हैं, जो 25-35-42% में जो भी रहेंगे, उनके जितने भी डाउनलाइन तक वॉल्यूम पॉइंट रहेंगे वो टोटल 100 ए के स्वयं के 100 वॉल्यूम पॉइंट है और इनके डाउन में ये हैं डी आई जे के एल, मतलब कितने हो गए ये
एक दो तीन चार पांच, तो सबके 100-100 वॉल्यूम पॉइंट ये है, तो 500 वॉल्यूम पॉइंट। तो आपको ए से 600 वॉल्यूम पॉइंट मिलेंगे। ये ऐसे मान लो ई के भी कोई डाउनलाइन में है, कितने भी डाउनलाइन तक हो नॉन सुपरवाइजर, उसके वॉल्यूम पॉइंट ई में ऐड होके फिर आपके में ऐड होंगे, ऐसे ही एफ के में ऐड होंगे। एफ के नीचे मान लो जी है, ये तो 50% लेवल पे है, तो ये नहीं ऐड होंगे। जो नॉन सुपरवाइजर होंगे उनके वॉल्यूम पॉइंट आपके आईडी में ऐड होंगे, ये बात ध्यान रखना। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि ए के नीचे जो ई है वो 50% लेवल पे है, डी है वो 35% लेवल पर है। तो डी से जो है वो ए के अकाउंट में जुड़ेंगे, ई के भी जुड़ेंगे, पर वो सुपरवाइजर में जुड़ेंगे, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो तो आपके में भी डायरेक्ट जुड़ेंगे। पर जो ये है नॉन सुपरवाइजर, ये चाहे कितनी भी डाउनलाइन तक हो वो ए के अकाउंट में जुड़ेंगे, या वो इतने वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में भी जुड़ेंगे। इसी प्रकार ई के डाउनलाइन में एफ है, तो एफ 50% लेवल पे है, और मान लो कोई नॉन सुपरवाइजर है, वो चाहे कितने भी लेवल तक हो उसके वॉल्यूम पॉइंट आपके अकाउंट में जुड़ेंगे। जैसे एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और लेते हैं। जैसे दोस्तों ये हो आप 50% लेवल पे हुई, आपके डाउनलाइन में ए को ज्वाइन करवाया है और बी को ज्वाइन करवाया है। यहाँ पे मैं ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, छोटा सा उदाहरण लेंगे हम। यहाँ पे सी को ज्वाइन करवा रखा है, डी को ज्वाइन करवा रखा है, एफ को ज्वाइन करवा रखा है। ये इतने मान लो सब सुपरवाइजर है, 50% डिस्काउंट लेवल पर है। तो 50% जो भी डिस्काउंट लेवल पे है तो वो तीन लेवल तक ही जुड़ेंगे। यदि यहां पे एक और मान लो कि जी को ज्वाइन करवा रखा है ए ने, वो भी 50% डिस्काउंट लेवल पर है, और जी ने एच को ज्वाइन करवा रखा है वो भी 50% डिस्काउंट लेवल पर है। इतने मान लो जितने भी डाउनलाइन होंगे ए के नीचे जो 50% डिस्काउंट लेवल पर है, तो उन सब उनके वॉल्यूम पॉइंट कैसे ऐड होंगे। जैसे ए और बी आपके लेवल वन में आ जाते हैं, लेयर वन में। अब लेयर टू में आ जाएंगे, बी ने जो भी ज्वाइन करवा रखे, नहीं सॉरी, ए ने अपने डायरेक्ट जो भी ज्वाइन करवा रखे हैं वो एल टू में आ जाएंगे। इसी प्रकार एल थ्री में आएंगे आपके जी ने जितने भी ज्वाइन करवा रखे हैं, और सी ने जितने भी ज्वाइन करवा रखे हैं डायरेक्ट। ये नहीं कि डी ने एफ को ज्वाइन करवा रखा, वो डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट वो होगा जैसे इसने एक को और ज्वाइन करवा रखा है, वो डायरेक्ट होता है। तो ये जो डायरेक्ट होंगे ये एल थ्री में आएंगे। अब इस आगे जो ज्वाइन करवाएंगे वो आपके एल फोर में आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लो बी ने तीन को ज्वाइन करवा रखा है, एक दो तीन को, तो यहां ये आपके तीनों एल टू में आएंगे। बताया था ना मैंने, ए के नीचे जो जी और सी है वो आपके एल टू में है, इसी प्रकार बी के नीचे जो एक दो तीन है वो आपके एल टू में है। इसी प्रकार मान लो एक दो तीन ने भी, ए ने चार को ज्वाइन करवाया, दो ने पांच को, और तीन ने छह को ज्वाइन करवाया, तो ये तीनों आपके एल थ्री में आएंगे। और मान लो तीन ने चार को ज्वाइन करवाया है, सॉरी सात को ज्वाइन करवाया है, तो वो भी आपके एल थ्री में ही आएगा। अब चार पांच छह सात जो ज्वाइन करवाएंगे वो आपके एल फोर में आएंगे। अब ये एल थ्री, एल वन, एल टू, एल थ्री, एल फोर आपके सुपरवाइजर ग्रुप वॉल्यूम पॉइंट में ही काम आते हैं, क्योंकि यहां तीन लेवल तक ही आपके वॉल्यूम पॉइंट ऐड होते हैं। नॉन सुपरवाइजर में जैसे मान लो ए ने एक्स को ज्वाइन करवा रखा है, और एक्स ने वाई को, वाई ने जेड को, तो वो आपके ए एल वन में है ना, तो इसके अकाउंट में जुड़ेंगे। जैसे 100 वॉल्यूम पॉइंट इसके स्वयं के हैं, और ये हो गए 300 वॉल्यूम पॉइंट, 100 100 इनके मानो, तो 300 ये हो गए,
तो आपके ए से आपको 400 वॉल्यूम पॉइंट ऐड होंगे नॉन सुपरवाइजर में, सॉरी सुपरवाइजर ग्रुप में। तो दोस्तों इस प्रकार आपके वॉल्यूम पॉइंट ऐड होते हैं। यदि फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पे भी हम आपको जवाब जरूर देंगे और आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।